हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग द यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस विच एंड व्हाट। द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स और एनिमल्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। रिलेटिव प्रोनाउन विच को हम लाइफलेस थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, सिंगुलर का मीनिंग होता है वन इन नंबर एंड प्लूरल का मीनिंग होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। ओके, तो आपको ये पता ही होगा कि विच वर्ड जो है वो एज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि क्वेश्चन के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दोनों में ही यूज़ हो जाता है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम करेंगे इसके एक एग्जाम्पल। माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ ब्रेसलेट विच वॉज मेड ऑफ सिल्वर। देखिए, हमने यहाँ पर विच वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है, क्वेश्चन की तरह यूज़ नहीं किया है। ओके, इसका मीनिंग क्या है? मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जो कि सिल्वर यानी कि चांदी से बना था। ओके, यहाँ पर देखिए ब्रेसलेट वर्ड जो है उसके लिए हमने विच यूज़ किया है और ब्रेसलेट सिंगुलर है। ओके, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो उसमें हम उसके साथ हम विच यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल करेंगे। चलिए अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। दीज आर द बाइक्स विच बिलोंग टू हिम। देखिए यहाँ पर विच वर्ड जो है वो बाइक्स के लिए यूज़ हुआ है, चाहे बाइक्स वर्ड जो है नाउन जो है वो प्लूरल नाउन है। ओके, फिर भी यहाँ पर हमने बाइक्स के लिए विच ही यूज़ किया है। दीज आर द बाइक्स विच बिलोंग टू हिम, इसका मीनिंग क्या है कि ये वे बाइक्स हैं जो कि उसकी हैं। बिलोंग टू का मीनिंग होता है उसकी हैं। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं यूसेज ऑफ व्हाट। द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट को हम सिर्फ थिंग्स के लिए ही यूज़ करते हैं यानी चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इट्स एंटीसीडेंट इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड। एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या होता है, इसे क्या, कौन सा वर्ड जो एंटीसीडेंट होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, एंटीसीडेंट जो है एक नाउन होता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए हम यूज़ करते हैं उस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो आप वीडियो में डिटेल में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। एंटीसीडेंट इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड का मीनिंग ये है कि एंटीसीडेंट को कभी भी हम लिखते नहीं हैं। ओके, तो व्हाट प्रोनाउन जब भी हम यूज़ करते हैं उसमें एंटीसीडेंट नहीं होता उस सेंटेंस में। तो चलिए अब हम इसकी टू एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ही डिस्क्राइब्ड व्हाट ही हैड सीन, उसने वह डिस्क्राइब किया था जिसे उसने देखा था। ओके, यहाँ पर एंटीसीडेंट मिसिंग है यानी कि नाउन मिसिंग है जिसके लिए व्हाट वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, ही हैज़ फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, उसे वह मिल गया है जिसे वह ढूंढ रहा था। लेकिन वह एंटीसीडेंट यानी कि नाउन मिसिंग है जिसके लिए व्हाट वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम विच एंड व्हाट को किस तरह से यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।